जय हिंद ईवी लवर्स। टेस्ट राइड अपडेट एक्सपीरियंस में आज मेरे दूसरे साथी हैं नितिन जी, जो आज ही गुड़गांव में ब्लू कलर की एस वन प्रो से टेस्ट राइड लेके आए हैं, और ये भी आपको अनबायस्ड रिव्यू ही देंगे, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है इनके ऊपर। तो आज उन्होंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया उसको अपने शब्दों में बताएंगे, चलिए इनसे बात करते हैं। तो नितिन भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप कुछ हमारे भाइयों को बताना चाहेंगे कि आपकी टेस्ट ड्राइव आज कैसी रही? सर, टेस्ट ड्राइव के बारे में अगर मैं बताऊं तो बेस्ट था। सबसे मतलब जो अभी तक मैंने जो भी चलाया, बाइक चलाया, स्कूटी चलाया या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलाया मैंने, एक दो जैसे हीरो का ऑप्टिमा हो गया, ये सब चलाया मैं, लेकिन ये जो है ना, ये सुपर्ब है। सुपर मतलब आपने हाइपर मोड ट्राई किया था इसका? हाँ, हाइपर मोड तो मतलब ट्राई तो किया, बट ज्यादा देर नहीं कर पाया मैं, क्योंकि इसका पिकअप देख के समझ आ गया इसको मैं संभाल पाऊंगा, डिसबैलेंस हो जाएगी मेरे से। और नॉर्मल मोड पे मैं ज्यादातर नॉर्मल मोड पे ही चलाया हूँ, बेस्ट था नॉर्मल मोड पे, आराम से 50 प्लस आराम से चल रहे थे नॉर्मल मोड पे ही। स्पोर्ट मोड में ज्यादा नहीं चलाया हूँ, बट उस पर कभी पिकअप बेस्ट है, जबरदस्त मतलब है इसका पिकअप भी देखा जाए तो। तो नितिन भाई, आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि जो हमारी पेट्रोल गाड़ियां आती हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ओला एस वन प्रो का पिकअप उससे अच्छा है कि बुरा है? देखिए, मैं तो एस वन प्रो ही मतलब ड्राइव किया पहली बार, तो जैसे है कि नॉर्मल मोड में तो सेम ही है जी, बट स्पोर्ट मोड में है ना काफी मतलब ऊपर चला जाता है एकदम, मतलब एक ही बार पिकअप लेता है, बहुत बहुत अच्छी पिकअप गई जाएगी इसको जी। जी, आप जैसे ये बताते हैं 3 सेकंड में 0 to 50 ऐसे कुछ बताते हैं जी, तो उसको आराम से अचीव कर लेगा ये, उससे पहले ही मुझे लगता है अचीव कर लेगा ये, जिस तरीके से मतलब इसका पिकअप है देखा जाए। कुल मिला के आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं, मतलब पेट्रोल गाड़ी से अच्छा पिकअप है? जी जी, पिकअप से भी और डिजाइन से भी, लुक से भी, लुक तो जबरदस्त लग रहा है देखने में। तो नितिन भाई, आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि आपको ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी, प्लास्टिक कैसी है गाड़ी की, अच्छी लगी या बुरी लगी या एवरेज लगी? नहीं, प्लास्टिक क्वालिटी या जो भी मेटल यूज हुआ है बिल्कुल फिनिश है, जैसे कि एक पेंट होता है ना, जैसे कारों पे जो पेंट चढ़ती है, जो महंगी महंगी कारें होती है वैसे एकदम फिनिश है उसमें पेंट की जो होती है। और प्लस जो हमारा जो सस्पेंशन होता है, जो शॉकर होता है, वो दोनों मतलब फ्रंट में और रियर में जो भी है सिंगल सिंगल सस्पेंशन लगा है, लेकिन बेस्ट मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल, पता ही नहीं चलता कि मतलब कि मैं जैसे कोई मैं ऐसे रोड पे चला रहा था जैसे कि रास्ते सही नहीं थे, उसमें भी फुल कंफर्टेबल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सस्पेंशन में बेस्ट था। प्लस अगर देखा जाए तो इसकी लुक की तो बात ही मत कीजिए, लुक तो जबरदस्त है, मतलब एक बार में आपको पसंद आ गई। अच्छा, देखते ही मैं तो अभी टेस्ट ड्राइव किया भी नहीं तब भी पसंद आ गया था, मुझे लेना है जी बस। और ये बताइए, गाड़ी कुछ देखने में छोटी है या एक्टिवा जितनी लेंथ बराबर है, विड्थ छोटी है? लेंथ थोड़ी सी छोटी है, है। ये मैं मानता हूँ लेंथ थोड़ी छोटी, जैसे कि एक्टिवा पे हम तीन बंदे आराम से चले जाते हैं जी, बट इसमें दो से ज्यादा नहीं जा पाएंगे, मतलब दो लोगों के लिए कंफर्टेबल है बस। हाँ, दो लोगों के लिए कंफर्टेबल है, तीन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं। और आपको लेगरूम वगैरह कैसा लगा? लेगरूम सफिशियंट है, कोई लंबा बंदा भी बैठेगा 6 फीट का तो वो बैठ जाएगा आराम से? हाँ, वो आराम से बैठेगा लेगरूम, वो बिल्कुल सफिशियंट है, बिल्कुल जो हाइट होती है एक्टिवा की, जो हाइट होती है वही हाइट है जी, जो हमारे जो इंडिया में जो गाड़ियां चलती हैं उसी हाइट की है, कोई उसमें वो नहीं है। हाँ, बैक की जो सीट है वो थोड़ी चौड़ी है, ये मैं मानता हूँ, तो पीछे पिलियन राइडर को थोड़ा कंफर्ट ज्यादा रहेगा। हाँ, ये कह रहा, ये कह सकते हैं कि पिलियन राइडर को जो है कंफर्ट ज्यादा रहेगा। ओके, तो नितिन भाई, आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपको जो टच स्क्रीन क्वालिटी कैसी लगी, स्कूटर की टच स्क्रीन कैसी है, रिस्पांस कैसा है, विजिबिलिटी कैसी है दिन में? जी, अगर टच स्क्रीन की बात की जाए तो टच स्क्रीन की जो क्वालिटी है बेस्ट है, बढ़िया है एकदम, जो टैबलेट हम यूज करते हैं उसी की तरह रिस्पॉन्स करता है वो, और जो भी हम टच स्क्रीन में जो हमारे स्कूटर में जो दिए गए हैं तो सारे टच स्क्रीन में हमें मालूम चल जाता है, जैसे कि हम कोई कौन सी लाइट हम ऑन कर रहे हैं उसमें, जैसे कि दो हेडलाइट में दो लैंप है वो कौन से यूज कर रहे हैं, हम डिमर कर रहे हैं या जो दोनों यूज कर रहे हैं एक साथ दो है, या फिर हम जैसे कि टर्न कर रहे हैं तो हाँ हाई बीम लो बीम, जैसे कि ये हो गया हाई बीम लो बीम प्लस टर्न लाइट जो है वो भी बता देता है उसमें, और अगर स्टैंड लगा है तो पार्किंग लिख के आता है, तो जो भी हमें चाहिए ना, एक चाहिए क्या, ये तो फर्स्ट टाइम ही है इंडिया में मैं तो देख रहा हूँ, बट जो नहीं चाहिए वो भी है इसमें। अच्छी बात है, आपने ये सारी चीजें आज ही एक्सपीरियंस करी हैं। और विजिबिलिटी कैसी थी दिन में, सारा क्लियर था या कुछ आप? हाँ, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, अच्छी रेजोल्यूशन की स्क्रीन थी,
टच रिस्पांस कैसा था? टच रिस्पांस क्विक या टच रिस्पांस जैसे 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 हम लोग हमारे जो फोन में चलते हैं रिस्पांस जो होते हैं वही रिस्पांस था, मतलब क्विक है, टच रिस्पांस में कोई लैग नहीं? क्विक है जी, नहीं नहीं कोई लैग नहीं इसका। ठीक है, लेकिन भाई आप मुझे बताना चाहेंगे कि ब्रेक और सस्पेंशन कैसा है? सर सबसे पहले मैं सस्पेंशन के बारे में बात करूंगा जी। सस्पेंशन इसका जो है दोनों फ्रंट और रियर में हमारा जो है सिंगल सिंगल सस्पेंशन वो चौकर दिया गया है जी। और इसको मैं ड्राइव किया तो रोड भी सही नहीं थे, जैसे कि गड्ढे हो गए कहीं तो कहीं वो आ गए हो जाते हैं, जैसे कि ट्रैफिक लाइट पे जो होते हैं क्या कहते हैं उसको सर जी, तो आज तो मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल था मेरे लिए, कोई नॉर्मल स्कूटर की तरह कोई मतलब इशू नहीं था, उससे बेस्ट ही कहा जाएगा, मतलब एक तो साउंड नहीं है तो कोई कंपन नहीं है, बिल्कुल मतलब कंफर्ट राइड है, जीरो वाइब्रेशंस जी, जीरो वाइब्रेशन है, प्लस हम ब्रेक्स के बारे में कुछ बताइए, ब्रेक्स वगैरह सब इफेक्टिव थी? हां ब्रेक्स, ब्रेक्स के बारे में बात कर लेता हूं, ब्रेक्स जो होती है जो ब्रेक्स जो इसमें है जी, फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक का यूज किया गया है। और जो हम डिस्क ब्रेक की बात करते हैं तो जैसे डिस्क ब्रेक हमारा चलता है जो स्कूटर में आजकल आ रहे जैसे जुपिटर में भी आ रहे हैं डिस्क ब्रेक, तो बिल्कुल वैसे ही है, कुछ मतलब वैसा नहीं है कि जैसे कि जैसे हम डिस्क ब्रेक यूज करते हैं वैसे ही है, कुछ ज्यादा ना कुछ कम, मतलब एक नॉर्मल स्कूटर की ब्रेकिंग की लगी आपको? हाँ जी नॉर्मल स्कूटर की जो ब्रेकिंग हुई है ये वही है, डिस्क ब्रेक है तो डिस्क ब्रेक तरह की पकड़ रहा है, मतलब की ड्रम ब्रेक की तरह नहीं है। ओके ओके। तो नितिन भाई आप कोई कलर के बारे में बताइए जो हमारे सब्सक्राइबर्स जिसने स्कूटर नहीं देखा वो उसे सेलेक्ट करने में थोड़ी आसानी हो, कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा था? सर कलर तो देखिए कलर तो सारे मुझे अट्रैक्टिव लग रहे हैं, सबसे ज्यादा जो लग रहा था ना मुझे जी वो था जेड ब्लैक, जेड ब्लैक ग्लॉसी लुक बिल्कुल जी जी, मतलब सबसे बेस्ट कलर आपको जेड ब्लैक ही लगा? जी 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 वही, बट मैंने जो राइड किया वो ब्लू पे किया था जी, बट जो कलर मुझे देखने में अच्छा लगा ना वही लगा ब्लैक, जेट ब्लैक, जेट ब्लैक मतलब एकदम प्रीमियम लुक लग रहा है, प्रीमियम लुक एकदम। तो नितिन भाई आप बताना चाहेंगे कुछ कि हमारे सब्सक्राइबर्स को वेट करना चाहिए टेस्ट ड्राइव का कि पहले कर देना चाहिए, क्वालिटी वाइज कंक्लूजन बता दीजिए आपको कैसा लग रहा है? सर क्वालिटी तो बेस्ट है इसकी, प्लस वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब इतने यूट्यूब पे वीडियोस हैं, इतने टेस्ट ड्राइव के आप वीडियोस देख चुके होंगे, जो भी है सारे मतलब पॉजिटिव रिव्यू भी आ रहे हैं, जो भी टेस्ट राइड कर रहे हैं उनका पॉजिटिव ही आ रहा है, कोई निगेटिव बात नहीं कर रहा इसमें, और प्लस मैं भी जो किया हूँ पॉजिटिव ही बात कर रहा हूँ, इसमें कोई निगेटिव की बात नहीं है, बेस्ट है, मतलब देखते ही आप कहेंगे कि टेस्ट ड्राइव लेने की जरूरत क्या है, इतना बेस्ट लग रहा है, प्लस आपको जैसे इतने तरीके समझा दे रहे हैं वहाँ पे जो मतलब कि कैसे क्या क्या इसमें क्वालिटीज है, कैसे कैसे इसको हैंडल करते हैं, उसके बाद आप जैसे ही थोड़ी सी वो मतलब एक बार यू टर्न लेके ऐसे कुछ चलाने को कह रहे हैं, मतलब राइड कीजिए थोड़ी सी आप कैसे करते हैं, उसके बाद ही आपको मतलब आगे के लिए वो भेज रहे हैं कि आगे आप रोड पे जा सकते हैं, उसको पहले देख रहे हैं तो आप उतने देर में पता चल जाएगा कि हाँ स्कूटर तो जबरदस्त है। आप क्या कहना चाहेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव मानूं मैं इसे या नेगेटिव मानूं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं था कि पॉजिटिव रिव्यू ही देना? नहीं नहीं दबाव किस बात की, जो है सो मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ही बुक कर चुका हूँ, मैं S1 में किया हूँ, मैं अपने बताऊँ तो, बट मुझे जो राइड जो करने के लिए मिला था वो S1 प्रो था, तो S1 प्रो में तीन मोड है, नॉर्मल स्पोर्ट और हाइपर, S1 में नॉर्मल और स्पोर्ट है, लेकिन हम हाइपर मोड को अगर यूज करते हैं तो काफी ज्यादा मतलब पिकअप उसकी काफी हाई है और उसमें क्या रेंज थोड़ा कम मिल जाता है हाइपर में, बट ये नॉर्मल स्पोर्ट हमारे लिए बहुत बेस्ट है, और इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि मैं S1 लेके कोई गलती नहीं करी, बेस्ट है मेरे लिए, मैं फिर चेंज नहीं करना चाहूंगा इसको, S1 प्रो में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका पिकअप देख लिया बेस्ट है, नॉर्मल में मैं वैसे ज्यादा चलाया हूं तो नॉर्मल में मैं देख लिया कैसा है, और मैं तो कहूंगा कि इसमें वेट करने की जरूरत नहीं टेस्ट राइड की जी। नॉर्मल मोड में आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि कितनी स्पीड तक आपने अचीव कर ली थी नॉर्मल मोड में ही? नॉर्मल मोड में ही मैं 50 प्लस चला गया था, 50 प्लस नॉर्मल मोड में जा सकते हैं जी, नॉर्मल मोड में चला गया था 50 प्लस, और स्पोर्ट उसके बाद ट्राई किया जी, क्योंकि रोड थोड़ी मतलब खाली थी तो रोड मैंने चल कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, वैसे हमारे को नहीं थी मतलब क्या कर दी बेस्ट है, स्पोर्ट में तो 70 तक गया था मैं वैसे स्पोर्ट में